सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को मेरा राम राम। आज हम 9th क्लास में स्केल नंबर 8 की कागज बांट करेंगे। ये हमारे पास एक बॉक्स दिया गया है, इसकी जो लेंथ है वो है 96 सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर है, ब्रेथ है 60 सेंटीमीटर और इसकी हाइट है 57 सेंटीमीटर। तो इसकी लेंथ ज़्यादा है, तो हम इसको कागज़ को जो हमने लेंथ की तरफ रखा हुआ है और इसमें जो फुट्टा यूज होना है वो है 2.15 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं ये 2.15 सेंटीमीटर का फुट्टा हम यूज़ करेंगे। तो इसमें लेंथ 96 और ब्रेथ है 60 सेंटीमीटर, तो हम इसको जोड़ के देखते हैं तो ये हमारे पास आता है 156 सेंटीमीटर। तो हम इसको यहाँ पे 156 सेंटीमीटर काट देंगे यहाँ से। ये हमारे पास है 155, तो इसमें हमने एक सेंटीमीटर थोड़ा हम आगे इसमें काट देंगे, 156 सेंटीमीटर है। और अब हमने जो हमारी शीट बच गई है उसके हमने बराबर तीन भाग करने हैं। तो हम यहाँ से एक न्यूनकोण ले लेंगे, जैसा कि आपने अभी देखा है पीछे भी हमने इतनी सारी स्केलों के कागज़ बांट किए, तो हम इसी तरह से यहाँ पर न्यूनकोण लेते हैं और इसके ऊपर हम अपने मर्जी से जो है आइडिया से हमने यहाँ पर तीन निशान हमने लगाने हैं इस पर, एक दो तीन इस तरह से। और इसमें हम लिख देंगे एक दो तीन, और जो तीन है इसको हम मिलाते हैं लास्ट पॉइंट के साथ यहाँ पे इस तरह से। इसी के समांतर हमने रेखा लेनी है दो से, यहाँ पे यहाँ पर दो है और इसी के समांतर रेखा लेंगे हम एक से इस तरह से। और अब हम इसको देख भी लेंगे कि यह हमारा सही है, तो ये एक दो और तीन तो बिल्कुल सही हमारा है। इसी तरह से अब हमने क्या करना है, एक भाग हमने यहाँ पे लेफ्ट साइड में काट देना है इस तरह से यहाँ से, और हमने इसमें काटनी है लेंथ। तो इसकी प्रॉपर जो लेंथ है वह है 96 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हमने 96 सेंटीमीटर हमने लेना है। तो ये हमारा है 90 और 5 95 एक 96, थोड़ा हमने यहाँ से मैं बढ़ा के ले रहा हूँ एक सेंटीमीटर यहाँ से। इसके बाद हमने लेना है एक भाग जो हमने पहले काट दिया था ना, उतना ही प्रकार खोल के हमने ये देखो आप यहाँ पे एक भाग हम यहाँ ले लेते हैं इस तरह से। और अब हमने लेनी है इसकी ब्रेथ, और ब्रेथ इसकी है हमारी 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए बिल्कुल 60 सेंटीमीटर यहाँ आ रहा है और एक भाग हमारा पीछे बच जाता है। इसी तरह से हमने नीचे भी इसमें एक भाग यहाँ पे छोड़ना है पहले, फिर हम लेनी है लेंथ, प्रॉपर जो लेंथ इसकी है 96 सेंटीमीटर, तो ये 95 और एक 96 हम ले लेंगे। इसके बाद एक भाग, फिर हम काटेंगे ब्रेथ जो हमारी है 60 सेंटीमीटर यहां से, ये हमारा है 60 सेंटीमीटर। तो हमने लाइनें जो है वो मिला देनी है इसमें यहाँ से, और हम इन लाइनों को अभी हल्का मिलाएंगे, डार्क लाइन हम नहीं लगाएंगे क्योंकि बाद में हमें लाइनें मिटानी पड़ती हैं। तो हम हल्की रेखाओं से अभी इनको दर्शाएंगे इस तरह से, आप देख सकते हैं। और हमने इसके जो है वो हाइट और ब्रेथ को काट के आगे कार्य करना है। तो यहाँ से हम हाइट और ब्रेथ जो इसकी जोड़ेंगे
तो हाइट है इसकी 57 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 60, तो ये होता है 117 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये आपका 90, 95, 105, 110, 115 हम काट देंगे और 2 सेंटीमीटर हम यहाँ से ले लेंगे, आईडी से भी लगा सकते हैं और हम यहाँ से भी, तो ये 1 और 2, तो ये हमारा आ गया 117 सेंटीमीटर। अब जो शीट हमारी बच गई है इसके हमने 3 भाग करने, सबसे पहले हमने इसमें न्यून कोण लेना है यहाँ से, ये आप देख सकते हैं, और ये जो न्यून कोण की रेखा हमारी आ रही है इसमें हमने बराबर 5 निशान लगाने होते हैं। सबसे पहले यहाँ से हम निशान लगा लेते हैं, जैसे 1 यहाँ पे और 2, 3, 4, 5 इस तरह से इसमें हमने नाम लिखने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और जो 5 है इसको हमने लास्ट पॉइंट के साथ यहाँ मिला देना है इस तरह से, और फिर हम इसी के समानांतर आगे रेखा लेंगे 4 यहाँ से 3, 2 और 1 इस तरह से, और हम देख लेते हैं क्या हमारा ये सही हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5 बिल्कुल सही है। हमने 2 भाग जितने प्रकार खोलनी है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने हमारे 2 भाग हुए हैं, और हमने ऊपर से जो है यहाँ से हमने ये 2 भाग जहाँ हमने काट रखे है यहाँ से हमने निशान लगाना है, 2 भाग काट देने हैं, फिर हम इससे काटेंगे यहाँ पे हाइट, प्रॉपर जो हाइट है, और इसकी हाइट है 57 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ से 57, तो ये हमारा है 45, 50, 55 और 2, 57। फिर हमने लेना है 1 भाग, तो 1 भाग जो हमारा है ये हमारा 1 भाग है, तो हम यहाँ से निशान लगा देंगे। इसके बाद हमने लेनी है इसकी ब्रेथ, और ब्रेथ इसका है 60 सेंटीमीटर, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ 60 सेंटीमीटर है और 2 भाग हमारे पीछे बच जाते हैं, तो इसका मतलब कि हमारी पेपर डिवीजन जो है वो सही हो रही है अभी तक। तो हमने पहले 2 भाग जो यहाँ लिए थे इतने प्रकार खोलनी है, ये आप देख सकते हैं, और हमने यहाँ से 2 भाग काट दिए, और हमने काटना है इसकी प्रॉपर हाइट जो कि हमारी है 57 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 55 और 2, 57। फिर हम काटेंगे 1 भाग जो हमने यहाँ छोड़ रखा है, ये आप देख सकते हैं इतने प्रकार खोल के यहाँ से 1 भाग। अब हम काटेंगे इसकी ब्रेथ जो कि है 60 सेंटीमीटर, यहाँ से ये हमारी है 60 सेंटीमीटर, और हम इसको मिला देते हैं यहाँ से, यहाँ देख सकते हैं यहाँ से हमने ये यहाँ मिलाना है और फिर बीच में छोड़ देना, जो भाग हमारे वो हमने छोड़ देने, यहाँ पे हम थोड़ी सी लाइन आगे बढ़ा देंगे ताकि हम इसमें हाइट ब्रेथ वगैरह लिख सकें, और यहाँ पे ये हमारा है बेसिक लाइन है, तो ये हम लंबी लाइन लगाएंगे क्योंकि एक्स वाई लाइन आती है, और ये हमारी जो रेखा है ये भी हमने सिर्फ यहाँ तक के ही लगाने हैं इस तरह से, यहाँ हम हल्की से लगाएंगे हाइट लिखने के लिए, और उसके बाद यहाँ पे ये हम देखेंगे ये हमारा वर्ग बन रहा है, तो हमने यहाँ रेखा लगानी है, थोड़ी सी हम यहाँ आगे बढ़ा देंगे और यहाँ हम सिर्फ निशान लगाएंगे, यहाँ हम इसको तिरछा मिला देंगे यहाँ पे इस तरह से। अब जो शीट हमारी क्लियर हो गई है पेपर डिवीजन, तो जो हमारी फिक्की लाइन है इनको हम डार्क कर देंगे और जो एक्स्ट्रा लाइनें हैं उनको हम यहाँ से मिटा दें इस तरह से। आपने इसमें फालतू लाइनें मिटा देनी है, फिक्की लाइन को डार्क कर देना है, ये हमारी बेसिक लाइन है एक्स वाई, और यहाँ पे हमने इसमें लाइन लगानी है यहाँ पे भी, यहाँ पे भी हम इसमें लाइन लगा देंगे
तरह से ये हमारा आ जाएगी यहाँ पे हाइट, इसकी हाइट है 57 सेंटीमीटर, यहाँ इसकी आ जाएगी ब्रेड्थ 60 सेंटीमीटर, और यहाँ इसकी आ जाएगी हमारी लेंथ जो कि है 96 सेंटीमीटर। इस तरह से यहाँ हम इसमें लिख देंगे एलिवेशन, यह हम लिखेंगे इसकी साइट, यहाँ हम लिखेंगे प्लान, यहाँ हम लिखेंगे प्रोजेक्शन, और यहाँ हम बनाएंगे इसमें स्केल कार्ड जो हमने यूज किया है। जैसे हमने 2.15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हमने मुखुट्टा बनाना है, इसके हमारे को दो नंबर अलग से दिए जाते हैं। इस तरह से ये आपकी स्केल है, स्केल नंबर 8। इस तरह से आपने इसकी कागज़ बांट करनी है, और इसकी सॉल्व स्केल की वीडियो मैंने बना रखी है, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल ड्राइंग स्टडी।